राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा प्रभु राम की हो, जिन पर कृपा प्रभु राम की हो, वो पत्थर भी तर जाते हैं। स्पेशल मेजरी पहुंच गए, आगे यात्रा शुरू करते हैं। चलिए हमारे साथ। ये दोस्तों हमारी गाड़ी छाने पंजाब। ये दोस्तों में निकल रहे हैं पानीपत से, गाड़ी पहुंची है पानीपत स्टेशन पे। ये दोस्तों ही पहुंचे हम खन्ना स्टेशन। सच देखिए आज यहाँ पे पूरा सारे संगम का होल्ड करा के चाय पिला जाती है। चाय प्रसाद आगे चलेंगे मंदिर की तरफ। हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। करीब करीब हम 1 घंटे आधे घंटे में दोबारा निकलेंगे यहाँ से अभी बस से। और यहाँ की कुल्फी है मशहूर पंजाब की कुल्फी, अगर आप ना खाई तो बेकार है। सभी को जय गुरु शंकर जी। शंकर जी आज 6 अक्टूबर दिन रविवार आप चल रहे हैं डुमरी गुरु जी मंदिर पंजाब। जैसे रूटीन में जाते हैं, बीच में काफ़ी टाइम से मैं नहीं जा पाया था मैं तो। अब मौसम भी ठीक है, कुछ संगत भी बहुत सारी चलने को तैयार थी तो शुरुआत कर रहे हैं अपने न्यू कॉलोनी गुरुद्वारा गुड़गांव से। जो देख सकते हैं आप यहीं से शुरुआत करते हैं, गुरुद्वारा से बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं, चलेंगे न्यू दिल्ली स्टेशन। संगत वहाँ पे सब इकट्ठी होएगी। शाने पंजाब हमारी ट्रेन है, रास्ते का पूरा ब्यौरा मैं दे दूँगा आपको। जो नई संगत जाना चाहे उसको नाम बताओ तो जा सकती है। जैसे कि मालूम है आपको 500 रुपये शुल्क लेते हैं हम सिर्फ, आना जाना और बस का किराया भी सब मिला के मैं बता दूंगा, पूरा टूर आपको दे दूंगा। अभी चलते हैं नई दिल्ली स्टेशन, साथ लेंगे नई संगत मेरे से जुड़ रही है थोड़ा सा चैनल में। वो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। आगे चलते हैं अभी दिल्ली स्टेशन। अन्न का नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सरबत का बोला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। दोस्तों ये नई दिल्ली स्टेशन अभी पहुंचे हैं हम नई दिल्ली स्टेशन पे। अभी चलेंगे यहाँ पे स्पेशल नई दिल्ली पहुँच गए, आगे यात्रा शुरू करते हैं। चलिए हमारे साथ 6:40 की ट्रेन है। अभी पहुँचे नई दिल्ली, यहाँ पे चेकिंग होगी। ये दोस्तों हमारी गाड़ी छाने पंजाब, डब्बा नंबर हमारा D5। गाड़ी देख रहे हो लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे, इसी में यात्रा करेंगे आज हम। ये ट्रेन जाती है वैसे तो अमृतसर तक, लेकिन हम उतरेंगे खन्ना। ये दोस्तों वाली ट्रेन का डब्बा है, इसी से यात्रा करेंगे हम। डबरी ट्रेन जाती है अमृतसर तक, हम उतरेंगे खन्ना। पूरा रास्ता बता दूंगा आप जरा सर। मैंने खन्ना जो है डुगरी से 40 मिनट का रास्ता रहा था बाई रोड बस से, खन्ना उधर के बाईपास से आएंगे। अभी हम ट्रेन में आ गए, अपनी संगत हमारी सारी आ गई है और संगत भी आ रही है। टाइम हुआ है अभी 6:20 और ट्रेन चलेगी 6:40 में। जय गुरु जी। अंकल
ये दोस्तों में निकल रहे हैं पानी बस से, गाड़ी पहुंची है पानी बस स्टेशन पे। टाइम हुआ है 8:15, जो ये पहुंचती है खन्ना वो पहुंचती है कोई 11 बजे के आसपास। अब ये पानी बस क्रॉस करते हुए ये देख रहे थे आ।
आनंद हो जाता है। Thank you.
ये दोस्तों पहुंचे हैं खन्ना स्टेशन। मेरे पीछे देख सकते हैं ये खन्ना स्टेशन है। टाइम हुआ 11:35, 20 मिनट गाड़ी लेट आज। और क्यों नहीं करते हैं, चलते हैं यहाँ से बस से पता चलेंगे डुबरी बिना यहाँ का रास्ता इंडिया। एक पुल बना है फारिश नगर से, पुल से आ रही है, पुल क्रॉस करके बस से चलेंगे। ये तो जी पीछे बस खड़ी है हमारी, इसी बस से अभी आए हम। ये हमारी बस, बस उतरने के बाद अब पैदल चलेंगे यहाँ मंदिर के लिए। संगत सारी देखो, लेट हो गई है बस, आज 1 बजे की, 12:30 तक आ जाते हैं। अभी चलेंगे दर्शन कराते हैं आपको। अंदर तो वीडियोग्राफी कैमरा अलाउड नहीं है, जितना बाहर दर्शन होगा मैं करा दूंगा आपको। रास्ता आप देख सकते हैं, सारी बसें भी उतरेंगे भाई। देखिए आज यहाँ पे पूरा बैठे हैं वेटिंग में, हम लेंगे जय प्रसाद। सारे संगम का होल्ड करा के चाय पिलाइए थे जय प्रसाद, तो आगे चलेंगे मंदिर की तरफ। कह दो गुरु जी, कह दो गुरु जी जय शंकर, संगतावी तरस सुननु जय शंकर, संगतावी तरस सुननु जय शंकर, जाए जाए। भी आए दर्शन करके बाहर, और यहाँ की कुल्फी है मशहूर, पंजाब की कुल्फी, अगर आप ना खाई तो बेकार है। कभी आओ डोगरी कुल्फी जरूर खाओ, यहाँ की बहुत मशहूर कुल्फी होती है। समानियाँ सारा बढ़िया है, दिल्ली NCR जितना दूर जाओगे उतना अच्छा, यहाँ पे फिर स्वादिष्ट और प्योर माल मिलता है। पंजाब का तो फिर कहना ही है। अभी बाहर आए दर्शन करके, दर्शन बहुत अच्छे हो गए आज, दर्शन कम था। अभी निकलेंगे यहाँ दोबारा बस पे खन्ना स्टेशन पे, खन्ना स्टेशन से फिर दोबारा ट्रेन पकड़ के फिर चलेंगे अपने दिल्ली। जय गुरु संगम जी। संगम जी अभी यहाँ डुगरी आए हैं तो पीछे खेत खलिहान बहुत हैं, ग्रीनरी की भरमार, हरियाली की भरमार है यहाँ जरूर आए खेतों में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं खेत ही खेत हैं सारे यहाँ डुगरी पिंड के। दर्शन करके जस्ट अभी बाहर आए हैं, तो आपको एक बात और ही बतानी है कि वैसे मैं हर वीडियो में बता देता हूँ अपनी कि जुनोई संगत में से जुड़ी है। पहले तो मेरे रोड़ा साहब चैनल को लाइक करते, सब्सक्राइब करते, शेयर करते, ताकि नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। जहाँ तक बात डुगरी आने की, डुगरी जो हम आते हैं, पहले मैंने वीडियो बहुत सारी बना रखी है, लेकिन आज फिर बता रहा हूँ कि हम चलते हैं नई दिल्ली स्टेशन से शान पंजाब ट्रेन से, जिसका किराया पहले 450 लेते थे हम, अब ले रहे हैं हम 500 रुपये। कुछ बस वालों ने किराया बढ़ा दिया है, उस 500 रुपये में आना जाना, बस का किराया सब इंक्लूड है। जो ट्रेन है वो उस पर 6:40 की है, नई दिल्ली से 11 बजे 11:30 बजे पहुँचती है खन्ना। खन्ना से 1 घंटे का रास्ता बस के द्वारा डुगरी, डुगरी में दर्शन करते हैं। जैसे कि अब टाइम हुआ है इस टाइम 2:30, हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। करीब करीब हम 1 घंटे आधे घंटे में दोबारा निकलेंगे यहाँ से अभी बस से, और दोबारा पहुँचेंगे खन्ना स्टेशन। खन्ना से जो ट्रेन है वो 6 बजे की है, दिल्ली पहुँचती है वो 10:30 पर। ये पूरा टूर होता है, जो भी संगत चलना चाहे उनका स्वागत है। हर महीने के पहले संडे को हम आते हैं, और भी आंटी हैं जो सेवा करती हैं हमारे यहाँ डुगरी। यही आने जाने की व्यवस्था उनकी तरफ से होती है, क्योंकि वो टिकट वगैरह बुक कराती हैं, जो सेवा हमसे हो पाती है हम भी कर लेते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, खाने पीने का संगत बहुत सामान लेके आती है,
कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको लाने की, बहुत सामान होता है खाने पीने का भी ट्रेन में। तो जो भी संगत नहीं आना चाहे डुगरी के लिए आ सकती है मात्र 500 रुपये में। और भी कोई बात हो तो आप मेरे चैनल में मेरे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी यहाँ से चलेंगे अपने बस से खन्ना, और खन्ना से ट्रेन पकड़ेंगे 6:10 पे नई दिल्ली के लिए। रास्ते का ऑडियो को दिखा सकेंगे आपको, दिखाऊंगा। अभी चलते हैं अपने बस के पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी डुगरी से खन्ना जाते हुए रास्ते में एक गुरुद्वारा आता है, गुरुद्वारा राणा साहब। ऑन द वे है तो रास्ते में संगत रुकी है गुरुद्वारा में दर्शन करने के लिए। यहीं रुके हैं, अभी दर्शन करेंगे गुरुद्वारा साहब के। रात समय था, अभी टाइम भी हमारे पास था, क्योंकि टाइम बजी है 2:45। ट्रेन दर्शन पता हमारी 6 बजे की, अभी 2-3 घंटे का टाइम है। तो गुरुद्वारा साहब से अच्छी और क्या मिलेगी। चलते हैं गुरुद्वारा राणा साहब, दर्शन कराते हैं आपको। जय गुरु। दोस्तों कहते हैं कि राम नाम आधार जिने, कि राम नाम आधार जिने वो जल में राह बनाते हैं। राम नाम आधार जिने वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा प्रभु राम की हो, जिन पर कृपा प्रभु राम की हो, वो पत्थर भी तर जाते हैं, वो पत्थर भी तर जाते हैं। सभी को जय गुरु जी। आज हम भी प्रभु की कृपा लेने के लिए, अपने गुरु की कृपा लेने के लिए, उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम आए आज पंजाब डुगरी। ये पीछे मेरा देख सकते हैं कुछ फुर्सत के पल, अभी टाइम था हमारी ट्रेन का, तो यहाँ बैठ के हम कुछ नाम कर रहे थे कुछ, तो सोचा कि आपसे बात कीजिए। जो भी आना चाहे डुगरी, बहुत ही शांति का माहौल यहाँ पे होता है। आइए डुगरी पंजाब के भी दर्शन करेंगे। जिसने भी दर्शन करने हो हमारे साथ चलना हो ट्रेन पे, उनका स्वागत है। हर महीने के पहले रविवार डुगरी पंजाब के लिए ट्रेन से शाने पंजाब से मात्र 500 रुपये में खर्चा आता है जो संगत का, वो हम लेते हैं। जो भी चलना चाहे जय गुरु जी। शुभ पहले तो सभी को जय गुरु जी। क्यों कहते हैं कि ना चादर बड़ी कीजिए, ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की है ज़िंदगी, बस चैन से बसर कीजिए। इधर सामने देख सकते हैं हम, ये स्टेशन खन्ना, और टाइम हुआ है अभी 5:30। तो अभी हम आ गए खन्ना स्टेशन पे, 6:10 की ट्रेन, 5:30 बजे भी हैं 30-35 मिनट। अभी चलेंगे, यहाँ 10 मिनट का रास्ता भी है, फिर बैठेंगे ट्रेन पे जो कि दिल्ली पहुँचेगी लगभग 10:30 बजे। बाकी ट्रेन का सफर दिखाते हैं आपको रास्ते में, फिर दोबारा फिर दरबार लगेगा ट्रेन में, जैसे सुबह लगा के आए थे दोबारा वैसे लगाएंगे दोबारा। इस देख लेंगे अपना घर चलते भी। इस सामने एक फ्लाई ओवर नया बना है अभी, जो यहाँ से जाएंगे। ये दोस्तों कुछ खन्ना स्टेशन का नज़ारा, सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, तीसरा भी नया बन रहा है। खन्ना स्टेशन को ज़्यादा कोई नहीं पूछता था, तब से संगत ने खाड़ किया यहाँ डुगरी में, इसकी भी मुबारा हो गई है। ये स्टेशन प्रचलित हो गया, लोगों को पता लग गया, इसलिए एक और यहाँ पे बन रहा है प्लेटफॉर्म। पीछे देख सकते हो मेरे ये गाड़ियाँ लगी हुई है, कुछ हमारे सब्सक्राइबर भी आए हुए हैं पीछे। जय गुरु जी। खन्ना स्टेशन में मिले कुछ हमारे मित्र हैं, जो भी गुड़गांव से हैं। क्या नाम है भैया आपका? ये भी गुरु जी के संयोग है सारी, जो हमारे को आज मिली है यहाँ पे, वो भी आगे मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना, छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना। ये छोटी सी भेंटा है हमारे हमारे तरफ से आपके लिए, ये छोटी सी भेंटा है हमारी आपके लिए, आपके लिए। इस बेटा को प्रवान करना, इस बेटा को प्रवान करना, नाम की दात बख्शना, नाम की दात बख्शना, भरोसे की दात बख्शना, भरोसे की दात बख्शना, मन नीवा, मन नीवा, मत उच्ची, मत उच्ची, चित आवंद सत्कार, चित आवंद सत्कार, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका कोटि बारंबार, आपका कोटि बारंबार, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, पहुंचे हैं नई दिल्ली स्टेशन में। टाइम हुआ इस टाइम 12:25, डेढ़ दो घंटे का गाड़ी लेट थी, 10:30 बजे का टाइम है आने का, हम पहुंचे 12:30। अच्छा सफर रहा, अच्छे दर्शन हुए आज, अच्छी संगत मिली नई नई। अभी निकलेंगे यहाँ से घर, अपनी गाड़ी उठाएंगे, लेट बहुत हो गया है। अपने ब्लॉग आज मैं यहीं ऐड करूँगा, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। कल सोमवार है, मंदिर का ही जाने का प्रोग्राम है, आज ब्लॉग को यहीं ऐड करेंगे। जो नई संगत जुड़ी है अरे रोड़ा साहब, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे, आगे मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल अरोड़ा साहब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियो मैं डालता रहूँगा, मेरे चैनल को आप देखते रहें और आगे शेयर करते रहें। सब्सक्राइब करें मेरे अरोड़ा साहब चैनल को। जय गुरु जी।